आज का जो हमारा जो विषय है वो हम मुझे दीपक जी ने पहले भी कई बार बोल चुके हैं कि ये एक मतलब बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिस्कशन के लिए, और काफी ज्यादा इसकी रिक्वेस्ट आ रही है। और मुझे भी काफी लोगों ने बोला है कि सर प्लीज मेक ए वीडियो एंड शेयर योर इन्फॉर्मेशन ऑन द ट्रिपल इक्लिप्स, बिकॉज अभी यूट्यूब में, फेसबुक में, वेबसाइट्स में एक बस सा क्रिएट हुआ है कि भाई तीन इक्लिप्स एक साथ लग रहे हैं, पता नहीं क्या होने वाला है। बिकॉज लास्ट जो इक्लिप्स था 26 दिसंबर 2019 के था, हालांकि लोगों ने उसको इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि क्या होगा, बट जो हुआ टोटली ऑपोजिट ही हुआ। तो फ्रॉम द लास्ट इक्लिप्स के ऑनवर्ड से लोगों में काफी एक भय का एक वातावरण बना हुआ है कि क्या ये इक्लिप्स भी एक दोबारा से कोई पैंडेमिक को बढ़ाएगा, या आपकी जो कोविड है वो रिलैप्स होगा, क्या सिचुएशंस होगी। क्योंकि फ्रॉम द टू लास्ट इक्लिप्स दिसंबर मंथ से ही टिल नाउ हमारे विश्व में और पूरे भारत देश में बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हो चुकी हैं कि मतलब ऐसे अनसडन इवेंट्स हो रहे हैं जिसको लेके लोग काफी भयभीत हैं, और लोगों में एक भय का माहौल है। दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन। सो आज हम उसी चीज को अंडरस्टैंड करेंगे, बट हम पर्पस हमारा एक भय भय को फैलाना नहीं है। आवर पर्पस इज टू साइंटिफिकली अंडरस्टैंड द सिचुएशन। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस ट्रिपल इक्लिप्स एज पर द मुंडेन एस्ट्रोलॉजी इन होल्ड वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया, बट आई विल एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ दिस ट्रिपल इक्लिप्स फॉर द टोटल ओवरऑल द ग्लोबल, कि इसका इम्पैक्ट ग्लोबली क्या रहेगा। सो आई हैव डिवाइडेड द दिस स्लाइड इनटू थ्री पोर्शन। फर्स्ट स्लाइड विल कवर द 1 जून लूनर इक्लिप्स, सेकेंड स्लाइड विल कवर द 21 जून एनुलर सोलर इक्लिप्स, एंड थर्ड स्लाइड जो होगी वो 5 जुलाई का जो इक्लिप्स है उसको एक्सप्लेन करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द टोटल द इम्पैक्ट ऑफ ट्रिपल इक्लिप्स ऑफ 5 जून, 21 जून एंड 21 जून एंड द 5 जुलाई 2020। सो लेट्स स्टार्ट द स्लाइड। सो दिस इज ऑल ओवर, ये आपका अभी स्टार्ट करने वाले हैं। सो अब सबसे पहले इसमें हमसे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमें अंडरस्टैंड करना है कि इक्लिप्स का इतना इम्पोर्टेंस क्यों है मुंडेन वर्ल्ड में। वाई इक्लिप्स मतलब में हैव एन प्लेस जिसके कारण से मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में इसको इतनी तवज्जो दी जाती है, ऐसा क्या रीजन है जिसके कारण हम इसको इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। बट बेसिकली क्या है, हमारे जो मेदिनी शास्त्र है, मुंडेन के जो शास्त्र है, उसमें ये चीजें काफी मतलब गहराई से एक्सप्लेन कर चुके हैं हमारे जो ऑथर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, और जैसे हमारे गर्ग ऋषि हैं, हमारे वशिष्ठ ऋषि हैं, और हमारे आचार्य वराहमिहिर जी हैं, और भद्रबाहु संहिता। देर आर मेनी जो एक स्क्रिप्चर्स हैं जो मेदिनी वर्ल्ड में, उसमें एक्लिप्स की बहुत वैल्यू है, और उसमें एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि इक्लिप्स का इतना इम्पैक्ट क्यों है। बेसिकली इक्लिप्स जो है नोड्स के एक एक्सेस से बनता है, और जो नोड है वो एक लाइफ साइकिल तैयार करती है, और वो जो लाइफ साइकिल होता है वो लाइफ साइकिल रहता है समथिंग लाइक 1.8 ईयर्स का एक साइकिल बनाता है नेटल एस्ट्रोलॉजी में। बट इफ वी टॉक अबाउट द मुंडेन एस्ट्रोलॉजी, इसका जो साइकिल होता है 6 मंथ का साइकिल होता है। तो जैसा इक्लिप्स होगा उसका इम्पैक्ट भी वैसा ही होगा। सो हमारे मेदिनी शास्त्र में ये मतलब इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे रखी है कि अगर जैसे इक्लिप्स 1 घंटे का लगा तो उसका इम्पैक्ट कितना होगा, अगर इक्लिप्स 4 घंटे का लगा तो उसका इक्लैप्स जो उसका इम्पैक्ट है वो कितने महीने का रहेगा, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने। मैक्सिमम इम्पैक्ट इज 6 मंथ, बट जो मिनिमम इम्पैक्ट है वो 1 मंथ से लेके सबसे पहले बोला जाता है जो सबसे ज्यादा एग्रेसिव सर्कल में जो इक्लिप्स लगता है वो 15 दिन के अंदर अपना इम्पैक्ट दिखाता है। देन 15 से 3 महीना, महीना से 45 दिन, मंथ 45 दिन से 3 महीना, 3 महीने से 6 महीने। सो इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आपका इक्लिप्स का ड्यूरेशन कितना है। इट इज 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर और 6 आवर। सो इट्स ऑल डिपेंड ऑन दिस थिंग। सो पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे 3 इक्लिप्स का पैटर्न है क्या। तो जो 3 इक्लिप्स का जो पैटर्न हम इस 2020 में देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि एक ही लूनर साइकिल में, मीन्स 1 लूनर मंथ। लूनर मंथ हमारा वो मंथ होता है जब हमारी एक पूर्णिमा का एक साइकिल स्टार्ट होता है, जब मून जो है एक न्यू नक्षत्र में प्रवेश करता है फुल मून के दौरान, जब सन एंड मून ऑपोजिट में होते हैं तो आपका न्यू लूनर साइकिल स्टार्ट होता है, तो उसको हम लूनर मंथ कहते हैं। तो 1 लूनर मंथ में आपके 3 इक्लिप्स लगने वाले हैं, जिसका पहला इक्लिप्स लगेगा 5 जून को, दूसरा इक्लिप्स लगेगा 21 जून को, थर्ड इक्लिप्स लगेगा 5 जुलाई को। तो ये एक पैटर्न है, इस पूरे पैटर्न को हम कहते हैं कि 3 इक्लिप्स इन 1 लूनर मंथ। सो ये जो पैटर्न है ये अपने में अनोखा एक है, क्योंकि सबसे इससे पहले का जो इक्लिप्स का पैटर्न था वो 2018 में था, उससे पहले 2000 में था, और अब फ्यूचर में जाके ये इक्लिप्स पैटर्न 2029 में लगने वाला है। तो इट हैज इम्पोर्टेंस। तो इस जो पैटर्न में एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि
कि जो लूनर इक्लिप्स लगने वाले हैं वो दोनों, मतलब पार्शियल तो नहीं कहेंगे, हाफ शेडो बेस्ड है, शेडोज हैं बेसिकली, बट जो सोलर इक्लिप्स है वो कंप्लीट एनुलर है, उसमें रिंग स्ट्रक्चर बनेगा, तो इसलिए ये अपने में एक इम्पोर्टेंस रखता है। तो अब जैसे नेक्स्ट इक्लिप्स में देखेंगे स्लाइड में कि ये तीन इक्लिप्स का पैटर्न है, जून 5, जून 21, जून जुलाई 5, और नेक्स्ट पैटर्न जो पिछला पैटर्न बना था जुलाई 13, जुलाई 27 और अगस्त 11, जिसमें आपके दोनों पार्शियल थे और पर बीच में टोटल लूनर इक्लिप्स था। अब ये एक पैटर्न जो है 2020 में बन रहा है, ये 2018 में था, ठीक है। तो अब हमें समझने वाली बात है कि ये आखिर ये जो जो अभी जो हमारे जो लूनर इक्लिप्स लगने वाले हैं वो आखिर किस टाइप के इक्लिप्स हैं, उसका इंडिया में कितना इम्पैक्ट है और बाकी विश्व में कितना इम्पैक्ट है। अगर आप देखेंगे कि जो 5 जून का और 5 जुलाई का इक्लिप्स है, ये पिनोरमल एक पिनोरमल लूनर इक्लिप्स है बेसिकली। ये वो इक्लिप्स होते हैं जिसको हम हिंदी में उपछाया कहते हैं। उपछाया मतलब कि जो अर्थ की एक हल्की सी शेडो हमें दिखाई देती है अर्थ से मून की, और जो मून है कंप्लीटली एक अलाइनमेंट में नहीं है। आप जैसे देख सकते हैं सन यहाँ पर, अर्थ यहाँ पर, और मून जो है आपके एक 180 डिग्री के एक्सिस से हटा हुआ है, और एक जो मेन शेडो है अर्थ की उस शेडो पे नहीं मून है, मून थोड़ा सा एक्सिस से हटा होके अपर रीजन में है, तो इसकी एक शेडो है। इसी रीजन के कारण ये जो लूनर इक्लिप्स है इसका कंप्लीट इम्पैक्ट इंडिया में नहीं है, क्योंकि जो उपछाया ग्रहों का जो मेंशन हमारे स्क्रिप्चर्स में नहीं है, हमारे जो ग्रंथ हैं, स्क्रिप्चर्स हैं या पंचांग हैं, उनमें हमेशा से जो मेजर इक्लिप्स होते हैं, टोटल इक्लिप्स होते हैं जो कि पृथ्वी की छाया में आते हैं, उनका मेंशन है। ये एक उपछाया है, इसमें कंप्लीट छाया नहीं पड़ रही है, और इसमें सन अर्थ और मून इक्लिप्स एक अलाइनमेंट में नहीं है। सो इसमें हमें इतने डरने वाली बात नहीं है 5 जून के जो लूनर इक्लिप्स है। हालांकि जो लूनर इक्लिप्स होता है उसका हमारे सबकॉन्शियस लेवल पे, हमारे माइंड पे, हमारे सोचने पे, उस पे काफी इम्पैक्ट होता है इन मुंडेन वर्ल्ड, बट नॉट इन द नेटल। नेटल में इसका इम्पैक्ट थोड़ा लिमिटेड होता है। सो वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग फर्दर कि हम इसको कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखिए, अब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हमारा पेनोरेबल लूनर इक्लिप्स होता है उसमें बेसिकली सन अर्थ एंड मून इम्परफेक्टली अलाइंड होते हैं, मतलब एक 180 डिग्री का एक्सिस नहीं बना है, और अर्थ ब्लॉक्स सम ऑफ द सनलाइट जो डायरेक्टली मून तक नहीं पहुंच पाती है, और इसलिए इसको हम शेडो लूनर इक्लिप्स कहा जाता है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल लूनर इक्लिप्स, जो टोटल लूनर इक्लिप्स या पार्शियल लूनर इक्लिप्स होता है, बट इसमें बड़े ही कम देशों में ये दिखाई छाया दिखाई देती है। बाकी जो देश में जिनके इक्लिप्स नहीं है उनको नॉर्मल फुल मून ही दिखाई देगा, और कुछ केसेस में दिखाई भी नहीं देता है। सो इसीलिए ये थोड़ा सा जो इक्लिप्स है वो डिफरेंट है बेसिकली। अब जैसे कि हमने ये तो था, अब जो 21 जून का सोलर इक्लिप्स है वो एनुलर है। तो जैसे पहले हमने 5 जून के इक्लिप्स को समझा, ये 21 जून का इक्लिप्स है, तो अब जो 21 जून का इक्लिप्स है बेसिकली इट इज कॉल्ड एनुलर। व्हाई इट इज एनुलर? बेसिकली इट इज हैविंग द स्ट्रक्चर लाइक अ रिंग, ये एक रिंग स्ट्रक्चर की तरह फॉर्मेशन है, इसमें साथ में आपको रिंग दिख रही है, मतलब उसका जो फोकस पॉइंट है वो एक फुल का टर्निंग है, और मतलब ये पेन की डॉट की तरह एक सिलेक्टेड रीजन में दिखाई देगा जो सोलर इक्लिप्स, इसलिए इसको एनुलर और बेसिकली सोलर इक्लिप्स लूनर एनुलर सोलर इक्लिप्स कहा जाता है। जो जो टोटल इक्लिप्स होते हैं उसका एरिया वाइड होता है, मतलब वो ज्यादा वाइडली दिखाई देते हैं, जो एनुलर होता है वो सिलेक्टेड एरिया में और कुछ समय के लिए दिखाई देते हैं, तो ये एक बेसिकली डिफरेंस है। अब जो सोलर इक्लिप्स है वो तब होता है जब आपका मतलब अर्थ की जो शेडो है वो आपके उस पे मून पे पड़ती है, देन वी विल सी द बेसिकली सोलर इक्लिप्स। सो दिस इज हाउ सोलर इक्लिप्स वर्क। सो यहाँ पर जो सोलर इक्लिप्स है वो मतलब एक लिमिटेड एरियाज में दिखाई देती है उसकी शेडो, हर एक एरिया में नहीं दिखाई देती, कुछ एरियाज में पार्शियल दिखाई देती है, कुछ एरियाज में फुल दिखाई देती है, कुछ एरिया में दिखाई ही नहीं देती। तो वी हमारे मुंडन एस्ट्रोलॉजी में वी हैव टू मेजर द डिस्क कि किस रीजन में, किस प्लेस में वो डिस्क दिखाई दे रही है। जहां वो डिस्क दिखाई देगी, जहां वो डिस्क का विजिबिलिटी होगी वहीं पर उसका इम्पैक्ट लेवल ज्यादा होता है। सो वी विल डिस्कस अकॉर्डिंग टू दैट इन द फ्यूचर स्लाइड्स। तो अब जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि जो लूनर एनुलर इक्लिप्स होता क्या है, अकॉर्डिंग टू द एनुलर, ये एक लैटिन वर्ड है जिसको एनुलस कहा गया हुआ है। तो इक्लिप्स का नेम फ्रॉम द फॉर द डार्केस्ट और मैक्सिमम पॉइंट। व्हाई इट इज द डार्केस्ट एंड मैक्सिमम? बिकॉज इट गिव्स द इम्पैक्ट इन अ पिन पॉइंट लाइक, बेसिकली स्पेसिफिक रीजन में ही इसका इम्पैक्ट होता है, इसलिए इसको एनुलर सोलर इक्लिप्स कहा जाता है। और इसका जो इम्पैक्ट ड्यूरेशन होती है वो भी कुछ देर के लिए होती है, तो इसलिए मतलब ये एक पार्शियल तो नहीं कहेंगे बट एक स्पेसिफिक, मतलब
हाफ देन द टोटल सोलर इक्लिप्स, इट्स अ हाइब्रिड फॉर्म ऑफ द सोलर इक्लिप्स। तो अब जो जैसे हमने देखा कि ये सोलर और लूनर इक्लिप्स का बेसिकली ये किस टाइप के लूनर इक्लिप्स हैं, जैसे हमने पहला समझा पेनरम्बल था, सेकंड जो हमारा जो है ये हमारा एनुलर है। तो जो जो हमारा 5 जून का लूनर इक्लिप्स जो लग चुका है अभी 5 जून को, वो दिखाई दिया था एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, और जो इसका कलर था वो स्ट्रॉबेरी कलर का था, और ये इसकी जो ड्यूरेशन थी और जो डार्केस्ट था वो इतना डार्क नहीं था, जैसे कि ब्लड मून लूनर इक्लिप्स होते हैं वो काफी डार्क दिखाई देते हैं ऑरेंज फॉर्म में। तो इसका जो कॉम्प्लेक्शन था वो स्ट्रॉबेरी शेड में था। तो जैसे कि ये अगर हम इसकी और बात करेंगे कि इसके पार्शल कहाँ था, तो पार्शल इसका ये कुछ प्लेसेस हैं जहां पर ये दिखाई दिया है, जैसे यूरोप है, मच ऑफ एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ ईस्ट, साउथ अमेरिका, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशन, अंटार्कटिका। तो दीज आर सम ऑफ द रीजन जहां पर ये पार्शियली दिखाई दिया था। और इंडिया में देखें तो सिर्फ इसका न्यू दिल्ली में ही एक हल्की सी जो ऑप्शन दिखाई दी थी, बाकी इसने काफी एरिया को कवर किया, जैसे साउथ अफ्रीका को कवर किया, म्यांमार को किया है, नाइजीरिया को किया है, थाईलैंड को किया है, इजिप्ट को किया है, ऑस्ट्रेलिया को किया है, हंगरी, रशिया। सो इट हैज अ वाइड रीजन वेर इज इट कवर्ड इट। तो अगर आप देखेंगे कि ये एक उसका शेडो पाथ है, तो यहाँ पर शेडो पाथ देखिए, यहाँ से शेडो पाथ निकल के यहाँ पर ये जा रहा है, तो यहाँ पर इसका शेडो पाथ में देखिए ऑस्ट्रेलिया कवर्ड है, इंडोनेशिया कवर्ड है, चाइना कवर्ड है, इंडिया कवर्ड है, आपका यूरोप कवर्ड है, मच ऑफ यूरोप, रशिया, यूके एंड अफ्रीका। तो ये इसका मतलब इट हैज इम्पैक्ट नॉट इन द नेटल एस्ट्रोलॉजी बट इट हैज इम्पैक्ट इन द मुंडेन एस्ट्रोलॉजी फॉर द वर्ल्ड लेवल। तो वर्ल्ड में इसका इम्पैक्ट है, और वही इम्पैक्ट हमको अंडरस्टैंड करना है, एक साइंटिफिक और एक स्टेप बाय स्टेप, एक मेथोलॉजिकल एक प्रोसेस से स्टेप हमें अंडरस्टैंड करना है कि इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा और हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दैट। अब जैसे कि जो लूनर इक्लिप्स का जो था 5 जून का, वो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि वो एक उसका जो टाइम पोर्शन था वो 11:15 से था और मैक्सिमम 2:34 पे था, और 12:10 पे वो मैक्सिमम था। तो हमने जब लूनर इक्लिप्स की जो चार्ट बनाना है, जो उसको अंडरस्टैंड करना है, तो हमने उसकी मैक्सिमम जो एक जो देखा जाएगा उस टाइम को लेना है। तो हमारा मैक्सिमम जो था 12:54 AM, सो दिस टाइम वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी इट जो 6 के लिए। और ये उपछाया ग्रह दैट आई हैव टोटली इंडिकेटेड, तो इस ग्रह का सूतक नहीं था, क्योंकि जो उपछाया ग्रह हमारे सिद्धांतों में और पंचांगों में छाया ग्रहों का सूतक का कोई मेंशन नहीं है। इट मीन्स इफ देयर इज नो सूतक पीरियड फॉर दिस, इसका मतलब ये जो ग्रह है इसका इम्पैक्ट जो है मतलब पूरे साल पे इतना ज्यादा लंबा नहीं है, इट विल बी वेरी लिमिटेड रीजन, मतलब ये 10-15 दिन महीना तक ही इसका इम्पैक्ट देखा जाएगा, नॉट फॉर द होल ईयर। क्योंकि जब भी किसी ग्रह का सूतक हो या वो मतलब जो सिद्धांतों में और पंचांगों में जिसका मेंशन हो, उसका इम्पैक्ट देश में होता है, और उसका इम्पैक्ट हमें जगत कुंडली जो मेष प्रवेश चार्ट या हमारा जो जो एक जो जो विश्व जो हर एक मार्च महीने में हमारा जो तिथि प्रवेश चार्ट बनता है उसमें उसका इम्पैक्ट देखा जाता है, बट इसका इम्पैक्ट एक लिमिटेड रीजन पे है। सो ये इसका है, इसकी टाइमिंग जैसे आप मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, 11:15 से लेके 2:34 AM तक इसका इम्पैक्ट था, ठीक है। और जो 21 जून का सोलर इक्लिप्स है, अगर हम उसकी बात करें, तो ये एक मेजर इंपॉर्टेंट सोलर इक्लिप्स है जिसका हमें पाथ को अंडरस्टैंड करना है, कि ये जो इक्लिप्स है ये सेंट्रल अफ्रीका से कॉन्गो, इथोपिया, साउथ ऑफ पाकिस्तान, नॉर्थ इंडिया और चाइना तक जाएगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्लिप्स, कि इसकी टाइमिंग अंडरस्टैंड करना जरूरी है और ये किस किस एरिया को टच करेगा। तो जैसे बताया कॉन्गो, इथोपिया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, पाकिस्तान, सिंध, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, तेहरी उत्तराखंड, चाइना। तो बाकी ये लार्ज पार्ट ऑफ द सन इज जो है काफी जगहों पे भी दिखाई देगा, ये बाकी की प्लेसेस हैं जैसे आपका सूडान है, इथोपिया है, आपका यमन है, कतर है, ओमान, नेपाल है, भूटान है, तो काफी एरियाज को ये कवर कर रहा है हमारे इंडियन रीजन को। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सोलर इक्लिप्स, वी विल डिस्कस इन द लेटर स्लाइड्स, फर्स्ट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि कहाँ कहाँ दिखेगा, टाइमिंग्स क्या है, ताकि यू कैन अंडरस्टैंड इसका पाथ, इसका अंडरस्टैंड कर सके, टाइमिंग अंडरस्टैंड कर सके, वो किस रीजन पे दिखाई देगा। तो जैसे ये इसका 21 जून सोलर इक्लिप्स का पाथ है, सो दिस पाथ इज वेरी मिस्टिकल इन नेचर। आप देख सकते हैं ये सेंट्रल अफ्रीका से स्टार्ट हो रहा है, और स्टार्ट होते ये कवर करेगा इस एरिया रीजन को, फिर यहाँ से पाकिस्तान के रीजन को कवर करेगा, पाकिस्तान के रीजन में भी ये पीओके के आसपास फुल पाथ शो करेगा, एंड देन विल टच द राजस्थान, न्यू दिल्ली एंड उत्तराखंड, एंड गोज टूवर्ड्स द चाइना, एंड देन फर्दर इट विल मूव टूवर्ड्स द डेड सी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एनुलर सोलर इक्लिप्स जो कि हम वी विल डिस्कस करेंगे। तो आई विल यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूँ कि ये जो मैप है ये इंटरनेशनल मैप होते हैं, ये इंटरनेशनल वेबसाइट से लिए गए होते हैं, तो दे विल हाइड द पोर्शन ऑफ द पीओके इन इंडिया,
मैं ग्राहक जो व्यूअर से ये रिक्वेस्ट करूंगा, तो इसको लेके कंट्रोवर्सी ना क्रिएट करें, क्योंकि ये जो मैप्स होते हैं ये एस्ट्रोनॉमिकल वेबसाइट से लिए गए हैं, और ये जो मैप्स होते हैं ये उन्होंने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाए गए होते हैं। तो देखिए ये इंडिया का पाथ है इसका, आप इसका देख सकते हैं कि ये मेजर पाथ इसका कहाँ से टच हो रहा है, बीकानेर, न्यू दिल्ली, उत्तराखंड, एंड देन इट गोज टूवर्ड तिब्बत टू चाइना। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पाथ। और जो पार्शियल लेयर्स कहाँ है इसकी, पंजाब, लाहौर, हिमाचल प्रदेश, बीकानेर, ये दीज आर द लेयर्स जो कि इसके अंदर हैं, और नेपाल तक भी ये इसका इम्पैक्ट लेवल है। वी विल डिस्कस इन फ्यूचर फर्दर कि इम्पैक्ट कैसे होगा। तो ये जो दिखाई देगा 21 जून सुबह 9:15 से दिखाई देगा, और 21 जून 3 बजे तक इसका इम्पैक्ट है। तो आप देख सकते हैं कि इसका ड्यूरेशन कितना है, जिसमें मैक्सिमम एक्लिप्स 12:10 पे है इसका, तो यानी कि 9 बजे से लेके 3:12 और 12 से 3, तो यानी 6 घंटे का इसका इम्पैक्ट है। तो 6 घंटे तक इसकी ड्यूरेशन है इक्लिप्स की। इट मीन्स दिस दिस सोलर इक्लिप्स हैज मच इम्पैक्ट इन इंडिया रेदर देन द 5th जून लूनर इक्लिप्स। तो इसका रीजन मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ये जो जो है ये साउथ ईस्ट यूरोप, मच ऑफ एशिया, नॉर्थ इन ऑस्ट्रेलिया, मच ऑफ अफ्रीका, पैसिफिक, इंडियन ओशन तक जाएगा। सो जो इसका सूतक भी देख लेते हैं, इसकी टाइमिंग जो है सूतक पीरियड की जो है 10:07 से स्टार्ट होगी 20 जून को, यानी रात को ही इसका सूतक पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, और सूतक एंड होगा अगले दिन 1:42 PM पे, जिसमें इक्लिप्स टाइमिंग जो है अकॉर्डिंग टू दृढ़ पंचांग साइट 10:22 AM, मैक्सिमम इक्लिप्स दिखाई देगा हमारे न्यू दिल्ली के हिसाब से 11:59 AM, एंड इक्लिप्स एंड टाइम है 1:42 PM। सो 1:42 PM तक हमें इसका ध्यान रखना है। तो यानी कि सूतक पीरियड जो एप्लीकेबल है 1:42 1:42 PM तक आपके उसमें इसका मेजर है। सो दिस हैज इम्पैक्ट इन इंडिया, दैट्स व्हाई इट सूतक इज एप्लीकेबल इन दिस सोलर इक्लिप्स। मैग्नीट्यूड इसका 0.90 है, और पार्शियल इक्लिप्स ड्यूरेशन जो है 3 hours 19 minutes। सो थर्ड जो लूनर हमने इक्लिप्स की बात कर रहे हैं वो है July 5, 2020 का। ये भी एक उपछाया ग्रह ही है, बट ये जो उपछाया ग्रह है ये जो है आपको जो दिखाई देगा मैक्सिमम दिखाई देगा आपको 2:45 का है, और इसका इम्पैक्ट वेस्ट अमेरिका, यूरोप, साउथ वेस्ट अमेरिका में विजिबिलिटी इसकी है। तो जो ये टाइमिंग स्टार्ट हो रहा है 3:37 जो है आपका यूनिवर्सल टाइम से लेके 5:52 तक यूनिवर्सल टाइम तक है। मैक्सिमम इक्लिप्स जो है इसका 4:30 पे है। जो अब इक्लिप्स की विजिबिलिटी है जो 5 जुलाई की, ये जो मून जो होगा इक्लिप्स का शेडो स्टार्ट करेगी 8:30 से 11:23 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे। हालांकि इंडिया में दिखाई नहीं देगा, बट दैट टाइम इंडिया विल हैव टाइम अराउंड 8:08:38 एंड 11:23 IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो इक्लिप्स विल बी विजिबल वेयर द मून इज अबव द हॉरिजन एट द टाइम, यानी कि ये अफ्रीका, अमेरिका, पुर्तगाल, स्पेन, न्यूजीलैंड, फ्रेंच पोलिनेशिया, फ्रांस में दिखाई देगा। तो हमारे इंडिया में इसके रीजन नहीं, क्योंकि दैट टाइम वी विल हैव अ डे, एंड दैट टाइम जो अदर रीजन होंगे वो अबव द हॉरिजन है, तो वहां पर नाइट चल रही होगी, तो इसीलिए हमारा इस रीजन में इसके दिखने के चांसेस कम है। तो दीज आर द टाइमिंग अकॉर्डिंग टू द हैदराबाद। सो ये इसका पाथ है, आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है मिडल ऑफ द अफ्रीका, इट इज कवरिंग एंड इज गोइंग टूवर्ड्स दिस अमेरिका एंड दिस मैक्सिको, ये एरिया कवर करके यहाँ पर ये जा रहा है। सो इट इज कवरिंग बेसिकली हाफ ऑफ द अमेरिका एंड हाफ ऑफ द अफ्रीका एंड हाफ ऑफ द सम पार्ट ऑफ द यूरोप एंड समथिंग मैक्सिकोस एरियाज एंड ऑल दिस एरियाज। सो इसका जो अगर आप देखेंगे कि इसकी विजिबिलिटी क्या है, विजिबिलिटी में आप देख सकते हैं कि इट इज यूनाइटेड किंगडम में, लंदन में दिखाई देगा, फ्रांस में दिखाई देगा, अल्जीरिया में, ब्राजील में, नाइजीरिया, मैक्सिको, चिली, US, वेनेजुएला, पुर्तगाल, पेरू, क्यूबा, कनाडा, साउथ अफ्रीका, मोरक्को, USA, स्पेन, अर्जेंटीना, USA, वाशिंगटन DC एंड ग्वाटेमाला। तो दीज आर द प्लेसेस जिसका इम्पैक्ट है। तो इट मीन्स हमारे इंडिया के लिए तो इसका इम्पैक्ट नहीं है, बट अदर साइड ऑफ द कंट्री इट हैज इम्पैक्ट। सो वी विल डिस्कस इन लेटर स्लाइड्स। सो अभी हम बात करते हैं इम्पैक्ट की, हाउ द सोलर लूनर इक्लिप्स एंड द सोलर इक्लिप्स विल इम्पैक्ट इन इंडिया एंड द वर्ल्ड। सो दिस इज द चार्ट ऑफ द 5th जून लूनर इक्लिप्स, जो कि अभी हमारा 2-3 दिन पहले ही लगा है। तो यहाँ जब लूनर इक्लिप्स लगा था, जब मैक्सिमम दिखाई दिया था, दैट वाज द टाइम 12:54। सो दिस इज द चार्ट ऑफ द 12:54 टाइम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैक्सिमम विजिबिलिटी जो थी तब थी जब सूर्य जो था आपका वृष राशि में था, चंद्रमा आपका वृश्चिक राशि में था। इट इज इम्पैक्टिंग द 4th एंड द 10th हाउस। इट मीन्स जो नक्षत्र लेवल पे अगर हम बात करते हैं, तो ये इक्लिप्स जो था वृष और वृश्चिक राशि के एक्सेस में लगा था, जिसमें मून जो था ज्येष्ठा नक्षत्र में था, सूर्य जो था रोहिणी नक्षत्र में था। और ज्येष्ठा जो था आपका, जो ज्येष्ठा नक्षत्र है अगर हम कुरुम चक्र से बात करते हैं,
इट इज फॉल इन द वेस्ट साइड ऑफ द इंडिया, तो वेस्टर्न डायरेक्शन का पार्ट है जस्ट, यानी मुंबई गुजरात एरियाज जो कवर्ड होते हैं इसके, वहां पर इसका इम्पैक्ट है वेस्ट ऑफ इंडिया। और इक्लिप्स जो पाथ था वो उसके हिसाब से देखा जाए तो ये साउथ डायरेक्शन में आता है मिडनाइट ऑफ द 6th of June, तो यानी कि ये 5 जून को 11 बजे स्टार्ट होता है एंड देन इट विल गोस टूवर्ड्स द 6th of the midnight, यानी कि मिडनाइट को क्रॉस कर रहा है ये, तो इसका मतलब ये मिक्स्ड राशियों का फल दे रहा है, यानी जेमिनाई का भी फल दे रहा है एंड द टॉरस का भी फल दे रहा है, तो इट हैज इम्पैक्ट इन द जेमिनाई एज वेल एज इन द वाटर साइन ऑल्सो। अब ये जल राशि में जो वृश्चिक राशि है वो जल राशि है और जल राशि में चंद्रमा का इसमें गोचर हुआ है, सो इट कैन ट्रिगर चांसेस ऑफ द हैवी रेनफॉल। अब चंद्रमा आपकी साउदर्न डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में और 10th हाउस में है, तो यानी सदर्न इंडिया के लिए दिस इक्लिप्स हैज मच पॉसिबिलिटी, तो यानी कि ये सदर्न डायरेक्शन के आसपास नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, क्योंकि ये जो आपका 9th एंड 10th हाउस होता है इट कवर्स योर साउथ डायरेक्शन एंड मोस्ट ऑफ द पोर्शन टू साउथ वेस्ट, सो वेस्ट एंड साउथ वेस्ट में इसका इम्पैक्ट ज्यादा रहेगा क्योंकि मून इसमें इम्पैक्ट इंपॉर्टेंट है, मून जिस नक्षत्र में होगा उसी एरिया पे इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगा, तो मून इज इन द नक्षत्र ऑफ ज्येष्ठा, सो इट मीन्स इट हैज इम्पैक्ट बेसिकली ऑन द साउथ वेस्ट एंड द साउथ डायरेक्शन एज पर द कूर्म चक्र, तो यानी कि साउथ सदर्न डायरेक्शन में हैवी रेनफॉल के चांसेस रहेंगे आफ्टर द लूनर इक्लिप्स विद इन समथिंग लाइक विद इन मंथ। तो यहाँ पर साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया में प्लेसेस कौन कौन सी आती हैं, मुंबई गुजरात साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया विल बी मेजरली अंडर इम्पैक्ट ऑफ दिस लूनर इक्लिप्स, तो यानी मुंबई गुजरात और साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया का मेजर इम्पैक्ट रहेगा इस लूनर इक्लिप्स का। तो अगर हम देखते हैं बृहत संहिता के अगर हम श्लोक पढ़ते हैं चंद्र चार में, तो इसमें साफ साफ बोला गया है व्हेन मून पासिस थ्रू द साउथ ऑफ द ज्येष्ठा, तो मूला पूर्व आषाढ़ उत्तराषाढ़ नक्षत्र इट विल बी हार्मफुल फॉर द सीड्स एक्वेटिक एनिमल्स एंड चांसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन इन द फॉरेस्ट और डेंजर बाय द फायर। मीन्स ये मतलब सीड्स का कहने का मतलब क्या है, जो कि क्रॉप्स हम लगाने वाले हैं, जो हम फसलें लगाने वाले हैं उस पर इसका इम्पैक्ट रहेगा। हाउ इट कैन इम्पैक्ट, बिकॉज ऑफ द रेनफॉल, एक्वेटिक एनिमल्स यानी कि जो कोस्टल रीजन है जहाँ पर जो एनिमल्स रहते हैं उन पे इसका इम्पैक्ट है, और चांसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन इन द फायर फॉरेस्ट एंड द डेंजर इन बाय द फायर, तो मतलब जो फॉरेस्ट एरियाज हैं वहां पर फायर के चांसेस हो सकते हैं, वहां कुछ ना कुछ एक्टिविटीज रहेंगी। तो अगर हम बात करते हैं तो जो प्लेसेस हैं साउथ वेस्ट को रूल करती हैं वो केरला, कोस्टल रीजन ऑफ महाराष्ट्र, वेस्ट कोस्ट, गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटक, पार्ट्स ऑफ एपी, पांडिचेरी विल बी मेजरली इफेक्टेड अंडर दिस जोन। सो ये जो लूनर इक्लिप्स है ये इन जोन को ज्यादा इफेक्ट करेगा, तो ये सारी मेजर जोन्स हैं जिसमें हमें ध्यान देने की जरूरत है जो इन पे आ सकता है। अब यहाँ पर क्या है कि मून जो है नक्षत्र वायुनाडी में है, क्योंकि मून ज्येष्ठा में है और ज्येष्ठा नक्षत्र जो है वायुनाडी है, और वीनस विल बी एक्सपेक्टिंग इट फ्रॉम द 4th हाउस, सो इट विल जनरेट, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है फॉर गुड अमाउंट ऑफ विंड्स इन द कोस्टल रीजन। तो मतलब इस लूनर इक्लिप्स के बाद कोस्टल रीजन का मौसम अच्छा आएगा, चेंज होगा, उसमें विंड्स के चांसेस बढ़ेंगे और कोस्टल रीजन्स में रेनफॉल के चांसेस बनेंगे, और इसका मतलब कि यही है कि कोस्टल रीजन्स ऑफ साउथ एंड वेस्ट में रेनफॉल के चांसेस अच्छे बनेंगे इस लूनर इक्लिप्स के बाद। अब लूनर इक्लिप्स जो है ये जो 5 जून का है, ये सन जिसमें सन एंड वीनस जो रोहिणी नक्षत्र में होंगे, मून विल बी इन द ज्येष्ठा एंड मार्स जो है पूर्व भद्रा में एस्पेक्टिंग द 4th हाउस, यानी मंगल चौथी दृष्टि से आपके चौथे घर को देखेगा, जिसमें सूर्य और शुक्र ऑलरेडी है और जिसपे जुपिटर एंड सैटर्न विल बी इन द 12th हाउस इन द उत्तराषाढ़ नक्षत्र। इट मीन्स दिस इक्लिप्स हैज मच इम्पैक्ट ऑन द नॉर्थ एंड साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया, तो यही जो रीजन है ये सबसे ज्यादा इसमें इम्पैक्ट रहेंगे, नॉर्थ साउथ वेस्ट एंड द साउथ डायरेक्शन। सो दिस इक्लिप्स जो आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि ये इन रीजन में रहेगा, सो यहाँ पर जो अलाइनमेंट है वो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन की है इक्लिप्स की। इट मीन दिस कैन गिव ट्रबल इन द प्लेसेस कंट्रीज दोज आर फॉलोइंग अराउंड दिस डायरेक्शन। अब यहाँ पर 4th जो हाउस होता है वो लैंड्स का होता है, लैंड्स बेस्ड इश्यू, तो हमें यहाँ पर लैंड बेस्ड वेदर इश्यूज का सामना कर पड़ सकता है इस इक्लिप्स के बाद, जैसे कि वो भी नॉर्थ में और साउथ और सेंटर ऑफ इंडिया में, क्योंकि वीनस जो होता है वो कारक है रेन काजिंग प्लेनेट कहा जाता है, जैसे रेनफॉल हम शुक्र से देखते हैं, जो मरकरी है विंड मरकरी से देखी जाती है एंड मून ऑल्सो फॉर द रेनफॉल। सो यहाँ पर जो वीनस है वो भी सेंट्रल इंडिया में है, और मैपिंग अगर हम उसकी मैपिंग करते हैं तो टॉरस साइन जो आता है वो हमारा सेंट्रल इंडिया आता है, तो जो सन एंड वीनस जो है हमारे टॉरस साइन पे है, टॉरस इज बेसिकली रूल्ड बाय द कूर्म चक्र इन द सेंट्रल इंडिया, सो इसका जो इम्पैक्ट हमारा सेंट्रल इंडिया से लेके आपके वेस्ट कोस्ट यानी कि जो आपका साउथ वेस्ट कोस्ट है केरला का, महाराष्ट्र का
और जो रीजन है गुजरात, वहां पर अच्छे रेनफॉल के चांसेस है आफ्टर दिस लूनर इक्लिप्स, और ये काफी पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ पर मंगल जो है एक्वेरियस लगन में है, पूर्व भाद्रा नक्षत्र में है इक्लिप्स चार्ट के, और सैटर्न और बृहस्पति जो है वो 12th हाउस में है इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ इंडिया एज पर द कूर्म चक्र। सो यहाँ पर ये एक ट्रबल वाला पॉइंट है जिसमें कि क्योंकि ये नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट रीजन जो होता है हमारा लद्दाख का होता है और समथिंग रीजन विच बिलोंग्स टू द चाइना रीजन, सो वी कैन हैव सम प्रॉब्लम फ्रॉम द चाइना इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया विच इज वेरी क्लोज टूवर्ड्स द लद्दाख द चाइनीज रीजन, तो हमें मिलिट्री इश्यूज शायद फेस करने पड़ सकते हैं वो भी हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में विच इज क्लोजली लिंक्ड विद द लद्दाख रीजन। और ये जो जितने भी प्लेनेटरी अलाइनमेंट्स हैं ये हमारे इंडिया के फर्स्ट 7th और 9th हाउस में फॉल कर रहे हैं, तो यानी कि इनका इम्पैक्ट फर्स्ट पे है, 7th पे 9th हाउस पे है, तो मेजरली हमारा ईस्टर्न डायरेक्शन, वेस्टर्न डायरेक्शन, साउथ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया इस पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट रहेगा इस लूनर इक्लिप्स का। सो इसको सबसे ज्यादा अब फर्स्ट और 7th हाउस इम्पैक्ट में है और 9th हाउस इम्पैक्ट में है, तो हमारा इसमें फॉरेन पॉलिसीज, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और लॉ एंड ऑर्डर ये सारे इसमें मेजरली इस पीरियड में एक्टिव रहेंगे। अब ये जो है जो लूनर इक्लिप्स है इस ट्रिगरिंग ऑन द 5th ऑफ जून, तो 1 month इसका टाइम पीरियड है, उसके बाद 5th जुलाई को जो नेक्स्ट इक्लिप्स है, तो यहाँ पर इसके मैक्सिमम इफेक्ट लेवल सिर्फ 1 month का है, तो यानी कि दिस लूनर इक्लिप्स विल बी इफेक्टिव टिल 5th ऑफ जुलाई, क्योंकि ये मून का एक साइकिल है, उसके बाद न्यू मून साइकिल आएगा तो इसका इम्पैक्ट हमें नहीं मिलेगा। तो 5th जून लूनर इक्लिप्स हैविंग अ मैक्सिमम इम्पैक्ट टिल 5th जून, बिकॉज उसका न्यू लूनर साइकिल स्टार्ट होगा एंड देन सोलर इक्लिप्स का भी एक न्यू लूनर साइकिल स्टार्ट होगा। अब ये जो लूनर इक्लिप्स है ये 11:15 से 2:30 AM के मिडनाइट पे है, तो यानी कि इसका एज पर द मेदिनी ज्योतिष स्क्रिप्चर्स ये 4 घंटे 4 आवर्स का इसका पॉसिबल टाइम है, तो यानी कि इसका इम्पैक्ट मेजरली 10 से 20 दिन में हमें देखने को मिल सकता है, तो 10 से 20 दिन में हम इसका इम्पैक्ट दे सकते हैं। अब ये जो इक्लिप्स है ये कुबेर पर्व में लगा है एज पर द मेदिनी ज्योतिष, तो यहाँ पर इस लूनर इक्लिप्स के बाद पॉसिबिलिटीज बनेंगी इंक्रीज इन हंगर, जॉबलेसनेस इन कॉमन मास, एंड इट विल गिव लॉस इन द मनी एंड रिड्यूस द इनकम लेवल ऑफ कॉमन मास, यानी कि ये कॉमन मास के लिए इक्लिप्स इट्स नॉट अ गुड, क्योंकि कुबेर पर्व जो होता है ये इट इज बेसिकली मेनली लिंक विद द इकोनॉमी, वेल्थ एंड द कॉमन मास का कैसा मतलब सिनारियो रहेगा, तो ये जो लूनर इक्लिप्स है ये इट विल नॉट बी गुड फॉर द कॉमन मास। कॉमन मास में जो लेबर क्लास आते हैं, जो लोग हार्डवर्क करते हैं, जो डेली डेली वर्क पे काम करते हैं, उनके लिए प्रॉब्लमेटिक रहेगा, तो और बाकी कॉमन मास में हमारे आम जनता भी आती है जो जॉब करती, जॉब गोइंग है, तो उसके लिए भी इट इज ए प्रॉब्लमेटिक एंड इट विल गिव सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम इन द जॉब, प्रॉब्लम इन द वेल्थ, एंड ये कॉमन मास के थोड़ा सा दिक्कत रहेगा। रिच क्लास पीपल को भी इससे इम्पैक्ट है, और रिच क्लास पीपल को इम्पैक्ट डायरेक्टली नहीं है, बट रिच क्लास पीपल को इम्पैक्ट होगा फ्रॉम द एंटी नेशनल एलिमेंट्स इफ इट इज पॉसिबल। दाओ इन द इक्लिप्स चार्ट आई एम नॉट saying any sort of anti-national activity in the lunar eclipse, but in the future we might can see, but it is as per the scriptures there is a possible that जो rich class people है वो इसमें impact रहेंगे due to anti-national elements। अब जो business class लोग हैं जिनका business है, जो business कर रहे हैं, they always face loss from the people those are doing the anti-national element, because they do the some sort of like something like trying to destroy the public property and the private property, so by this way it impacts the rich class people। और यहाँ पर हमारे इससे कंट्री में जो प्रॉब्लम्स है, डकैत की प्रॉब्लम पड़ सकती है, लूटमार बढ़ सकती है, भुखमरी बढ़ सकती है, ये रिलेटेड इवेंट्स हम इसमें देख सकते हैं, और फूड स्टोरेज की प्रॉब्लम आ सकती है इससे, और फूड मैनेजमेंट सिस्टम में हमारे प्रॉब्लम आएगी। तो एक महीना जो 5 जून से लेके 5 जुलाई का है ये थोड़ा कॉमन मास के लिए ट्रबलसम रहेगा, प्रॉब्लमेटिक रहेगा, तो इसमें हमारी गवर्नमेंट को काफी वर्क ऑन करना पड़ेगा फूड मैनेजमेंट में, फूड डिस्ट्रीब्यूशन में, और कॉमन मास को हैंडल करने में। सो दिस 1 month इज वेरी क्रूशियल फॉर इंडिया फ्रॉम 5th जून टू 5th ऑफ जुलाई, एंड यहाँ पर अदर और चांसेस ये भी बन सकते हैं कि इट विल इंक्रीज इंक्रीज प्रॉब्लम इन द रिलीजियस इंस्टेबिलिटी विच कैन गिव सम सॉर्ट ऑफ कंडीशन टू राइट्स बाय फेनेटिक थिंकर्स, सो पीपल हु आर हैविंग रिजिडनेस टू आवर रिलीजियंस एंड कैन इंक्रीज कॉमनल वायलेंस एंड फायर रिलेटेड इंसिडेंट्स, तो ये भी पॉसिबिलिटी है, बट दिस विल नॉट इम्पैक्ट आफ्टर द 5th जून, दिस विल वी कैन सी आफ्टर द 21 जून सोलर इक्लिप्स, बिकॉज सोलर इक्लिप्स एंड लूनर इक्लिप्स हैव अ साइकिल टू ईच 15 डेज, अब वहीं पर इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा बनती है। तो यहाँ पर और भी चांसेस हैं कि हमें सी ट्रेवल्स में प्रॉब्लम आ सकती है, सी से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं,
सी बिजनेस से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, प्रॉब्लम इन द कोस्टल रीजन में हो सकती है वाया साइक्लोन्स एंड रेन स्टॉर्म्स। सो दीज आर द पॉसिबल चांसेस जो आई हैव सीन। और यहाँ पर ये है कि ये जो एक्लिप्स है ये जेमिनी साइन से स्टार्ट हो रहा है एंड इट विल एंड इन द टॉरस साइन। सो इट विल इट हैज अ मेजर इम्पैक्ट टू बिजनेस क्लास पीपल, आर्टिस्ट, पीपल हु आर वर्किंग इन द सिनेमा, पीपल हु आर इक्वल टू किंग्स और रिलेटेड टू द किंग और वर्किंग विद द गवर्नमेंट। इट मीन्स जो लोग सिनेमा में हैं, आर्ट में हैं, मीडिया में हैं, जो लोग आर्टिस्ट हैं, जो सिनेमा में हैं, इट जो बिजनेस में हैं, दीज पीपल विल गेट मेजर इम्पैक्ट बाय द लूनर इक्लिप्स। एंड वी हैव सीन दैट ये जो एक्लिप्स है इसका जो इम्पैक्ट लेवल है ये पड़ रहा है हमारे कोस्टल रीजन पे। तो यानी कि मुंबई विल बी टारगेट एरिया, तो यानी मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात, पीपल लिविंग इन दिस एरिया कैन हैव प्रॉब्लम लाइक दिस, बिकॉज मैक्सिमम जो सिनेमा है, मीडिया इंडस्ट्री है लिविंग अराउंड दिस, एंड बिजनेस हब जो हमारा है वो भी यही गुजरात, महाराष्ट्र ही रहा है। तो ये इक्लिप्स कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इम्पैक्ट इस पे रहेगा। और यहाँ पर और भी चांसेस बनेंगे जिसमें चांसेस हैं लाइक से ट्रेवल टू एनिमल हस्बेंड्री बिजनेस, डेयरी बिजनेस, मिल्क प्रोडक्ट्स, हार्म टू क्रॉप्स, बिग फार्मर्स कुड गेट ट्रेवल तो और हार्डशिप कर सकते हैं, और एंड लॉस एंड वुमेन जो अच्छी वेल रिप्यूटेड है, जो पावर में है, उनको भी इससे प्रॉब्लम आ सकती है कॉमन मास के थ्रू। तो सम सॉर्ट ऑफ दिस लूनर इक्लिप्स विल गेट सम इम्पैक्ट्स टू सम डिफरेंट डिफरेंट एरियाज लाइक से एनिमल हस्बेंड्री एरिया, बिजनेस, डेयरी बिजनेस, मिल्क प्रोडक्ट्स एंड क्रॉप्स, बिग फार्मर्स एंड समथिंग लाइक जो जो मतलब जो बिग फार्मर्स उनको ट्रबल हो सकती है, और जो वुमेन्स अच्छे रेपुटेशन पे उनको भी इससे दिक्कत आ सकती है। बट एज दिस इक्लिप्स वीनस विल बी इन द बेनिफिशियल स्टेट इन ओन साइन और रोहिणी नक्षत्र में है एट एस्पेक्ट हम मून का है, तो ये जो लूनर इक्लिप्स है इट विल बी गुड फॉर द इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स, रेनफॉल एंड द गुड वेदर कंडीशन। सो दिस विल बी मिक्स सॉर्ट ऑफ लूनर इक्लिप्स जिसमें हमें कुछ रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, कुछ रिजल्ट्स नेगेटिव भी आ सकते हैं। अब ये जो लूनर इक्लिप्स है ये फोर्थ और टेंथ हाउस के एक्सिस में लग रहा है इक्लिप्स हॉरोस्कोप में, सो इट विल गिव्स मेजर प्रॉब्लम टू द किंग्स, मिनिस्टर्स एंड इम्पैक्ट एंड मच रिचर क्लास पीपल। तो यानी कि फोर्थ और टेंथ हाउस का जो रीजन होता है एज पर द मुंडेन एस्ट्रोलॉजी, वो आपके मिनिस्टर्स, बड़े बड़े पॉलिटिकल लोग होते हैं जो किंग्स के जो एक रुतबे में रखते हैं, जो मिनिस्टर्स के क्लोज हैं, पॉलिटिकल पीपल्स हैं, उन पे इम्पैक्ट है। तो दिस विल इम्पैक्ट द पीपल हु आर हैविंग द हाई क्लास और द रिचर क्लास पीपल और द पीपल हु आर हैविंग पावर इन द पॉलिटिकल रीजंस। तो जो पॉलिटिकल पीपल्स हैं वो इससे मच इम्पैक्टेड रहेंगे। तो हम देखेंगे कि कुछ आने वाले कुछ महीनों में दिस पीपल कैन इफेक्टेड बाय दिस इम्पैक्ट। और ये जो है ये जो लोग हैं ये कुछ मिस्टेक्स करें, कुछ गलती कर सकते हैं जिसके कारण से तो कॉमन मास विल अटैक दिस पीपल। सो इट इज अ वेरी ब्राइट चांसेस दैट की पॉलिटिकल फॉर दिस लूनर इक्लिप्स इज नॉट गुड फॉर द पॉलिटिकल पीपल, फॉर द मिनिस्टर्स एंड द पीपल हु आर इन द बैड रेपुटेशन। और यहाँ पर जो आने वाला लूनर इक्लिप्स है उसके अकॉर्डिंगली हमारी जो मिनिस्टर्स हैं, गवर्नमेंट है, वो मच ऑफ द इकॉनमी और जो बजट्स है, इनकम है, वो कॉमन मास को रिफॉर्म के लिए लगाएगी, ग्रोथ पॉलिसीज कॉमन मास के लिए लगाएगी, फार्मर्स के रिफॉर्म्स के लिए लगाएगी, और उनकी न्यू पॉलिसीज इंप्लीमेंट की जाएंगी। मैक्सिमम जो अमाउंट है लैंड्स में स्पेंट होगा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में होगा, एग्रीकल्चर पर ध्यान दिया जाएगा, डैम्स में, ब्रिजेस में। तो दिस सॉर्ट ऑफ इक्लिप्स इज क्वाइट कंस्ट्रक्टिव फॉर दिस एरियाज ऑल्सो, क्योंकि फोर्थ बिल्डिंग हाउस जो कंस्ट्रक्शन हमारा में होगा होता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में होगा, एग्रीकल्चर पर ध्यान दिया जाएगा, डैम्स में, ब्रिजेस में। तो दिस सॉर्ट ऑफ इक्लिप्स इज क्वाइट कंस्ट्रक्टिव फॉर दिस एरियाज ऑल्सो, क्योंकि फोर्थ हाउस जो हमारा होता है ये बेसिकली इट इज सीन फॉर द इन्वेस्टमेंट विच इज टूवर्ड्स द लैंड एरिया, समथिंग लाइक फ्लड कंट्रोल सिस्टम, अर्थक्वेक मैनेजमेंट, लैंडस्लाइड मैनेजमेंट, फायर मैनेजमेंट एंड द माइनिंग मैनेजमेंट, रोड कंस्ट्रक्शन, कॉमन मास मैनेजमेंट। सो फोर्थ एंड टेंथ हाउस के इम्पैक्ट होने के कारण जो लूनर इक्लिप्स का है उसका इम्पैक्ट हमेशा इन एरियाज में ही रहेगा। तो गवर्नमेंट विल वर्क ऑन द फोर्थ एरिया, फोर्थ हाउस रिलेटेड एरियाज लाइक से ऑल सॉर्ट ऑफ द मैनेजमेंट। सो ये जो कॉमन एरियाज हैं इन पे ही मैक्सिमम गवर्नमेंट का फोकस रहेगा इस लूनर इक्लिप्स। अब हम कॉमन मास की बात करें तो दिस इज लूनर इक्लिप्स इज हैपनिंग इन द ज्येष्ठा नक्षत्र। सो जो ज्येष्ठा नक्षत्र है विच इज अब ज्येष्ठा नक्षत्र जो एक 27 नक्षत्रों में सबसे एल्डेस्ट नक्षत्र माना जाता है, और बेटे से बेसिकली ज्येष्ठा जो 27 नक्षत्रों में सबसे बड़ी बहन थी, एंड बीइंग इन द ज्येष्ठा नक्षत्र इट हैज रूलरशिप ऑफ द इंद्र देवता, एंड सो शी हैज काइंड ऑफ द जेलसी नेचर।
दैट्स द रीजन ज्येष्ठा नक्षत्र में हम बड़े पावरफुल लोगों को देखते हैं, इसमें बड़े बड़े मिनिस्टर्स को देखते हैं, बड़े बड़े मास इन्फ्लुएंसिंग पीपल्स हम इसमें देखते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स देखते हैं और बड़े बड़े इन्फ्लुएंसिंग पीपल. तो दिस इक्लिप्स हैज इम्पैक्ट ऑन दोज पीपल हु आर हैविंग द एल्डर, हु आर हैविंग द पावर, दोज आर हैविंग इन द मास मीडिया में, जो बहुत ही नेम फेम वाले हैं, जो लीडरशिप में रोल रखते हैं, जो पावर में हैं. सो दिस दिस इक्लिप्स विल इम्पैक्ट दिस पीपल. सो दिस विल बी दिस इक्लिप्स विल बी चैलेंजिंग फॉर द दोज पीपल हु आर इन द पावर. सो जो ये इक्लिप्स पॉलिटिकल पीपल्स, आईएएस ऑफिसर, बिग बिजनेसमैन को चैलेंज क्रिएट करेगा. दे विल फेस चैलेंजेस इन द एरिया ऑफ देयर वर्क. सो ये लोगों को, जो पॉलिटिकल पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उन लोगों को एक ट्रबलसम कंडीशन में ला सकता है. जो बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स हैं, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं, दे कैन फेस सम सॉर्ट ऑफ डिफेम, दे कैन फेस सम सॉर्ट ऑफ लाइक कंट्रोवर्सी, दे कैन फेस सम सॉर्ट ऑफ लाइक से ट्रबल फ्रॉम कॉमन मास, कॉमन पीपल, बिकॉज ऑफ देयर मीन मोटिव्स एंड द ग्रीड्स. सो बिकॉज दिस द गवर्निंग डाइटी ऑफ दिस नक्षत्र इज लॉर्ड इंद्रा, सो इट विल ब्रिंग चॉइस अमंग द पीपल. सो लोग पावर और सत्ता से परेशान होंगे, हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी हो सकते हैं, पॉलिटिकल लोगों के डिसीजन से परेशान हो सकते हैं, उनकी इन सेंसिबल डिसीजन मेकिंग लोगों को परेशान करेगी. सो आने वाला जून और जुलाई मंथ में लोग पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल पीपल्स, इन्फ्लुएंसिंग पीपल से नाराज रहेंगे, जिसके कारण लोगों में रोष जागेगा, वेंजेंस जागेगी सत्ता के अगेंस्ट, या सत्ता के डिसीजन को लेके, पॉलिटिकल लोगों के डिसीजन को लेके. तो लोगों में एक रोष रहेगा कि लाइक समथिंग लाइक गवर्नमेंट इज नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू योर नीड्स एंड अकॉर्डिंग टू योर वर्क. सो ये एक कॉमन मास पे इम्पैक्ट है इस इक्लिप्स का. सो ये हमें आगे वाले आने वाले महीनों में हमें देखने को मिल सकता है, जून एंड जुलाई मंथ में. सो जो आने वाले पॉलिटिकल लोग हैं, आने वाले जो महीने में पॉलिटिकल लोगों पे इसका इम्पैक्ट हमें दिख जाएगा. सो वी विल हैव टू सी दिस इम्पैक्ट इन द कमिंग मंथ्स. अगर हम बात करें इम्पैक्ट इस वर्ल्ड लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे, अब यहाँ पर क्या है, जो लूनर इक्लिप्स जो है वो 21 डिग्री पे लग रहा है स्कॉर्पियो में, ज्येष्ठा नक्षत्र में, और जो डाइटी है ज्येष्ठा का वो इंद्र है, जो कि जिसको हम किंग ऑफ द गॉड्स कहते हैं. सो दिस नक्षत्र इज बेसिकली सीन फॉर द वर्ल्ड लीडरशिप. मतलब जैसे वर्ल्ड लीडरशिप है, इस नक्षत्र से देखी जाती है, क्योंकि बिकॉज दिस नक्षत्र रूल्स द पावर, दिस नक्षत्र रूल्स द पॉलिटिकल, दिस नक्षत्र रूल द किंग थ्रोन. सो इस नक्षत्र को बड़े बड़े लोगों को देखा, इन्फ्लुएंसिंग लोग इससे देखे जाते हैं. तो ये जो एक्लिप्स है, ये वर्ल्ड लीडर्स पे एक मार्क छोड़ के जाएगा. तो लोग जो मतलब वर्ल्ड में जो लीडर्स हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग को लेके लोग काफी नाराज रह सकते हैं, परेशान रह सकते हैं, बिकॉज ऑफ द नेचर टू गेन पावर एंड कंट्रोल इन इकोनॉमी एंड द बिजनेस. सो जो ये जो लूनर इक्लिप्स है, ये मतलब पॉलिटिकल लीडर्स की ग्रीड को बढ़ाएगा, बढ़ा सकता है, और जिसके कारण आम जनता, कॉमन मास जो है, इन लीडर से परेशान रह सकती है, बिकॉज ऑफ देयर ग्रीड एंड टू एक्सेस द पावर एंड द गेन. सो इट विल, और ये जो इक्लिप्स है, इट विल बी चैलेंजिंग फॉर ऑल दिस पीपल दोज आर इन द पावर एंड द जेलसी, बिकॉज इट कैन हर्ट योर ईगो रिगार्डिंग देयर गेन इन बिजनेस, टू कंट्रोल इकोनॉमी एंड टू गेन पावर ऑफ द वर्ल्ड फॉर द ग्रीड. सो आने वाला जो इक्लिप्स है, हम इसमें देखेंगे कि जो बड़े वर्ल्ड के लीडर्स हैं, दे विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट सम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, न्यू रिफॉर्म्स, न्यू बिजनेस एंड सॉर्ट ऑफ टू न्यू मेथड्स, पॉलिसीज टू गेन कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी एंड द पावर. क्योंकि ये नक्षत्र जो है, जो एज पर अगर कूर्म चक्र की बात करें, तो ये जो ट्रिगरिंग एरिया है फोर्थ और टेंथ हाउस है, और विदेश कूर्म चक्र से इट विल फॉल फ्रॉम द साउथ अफ्रीका टू यूएस. सो इट विल ब्रिंग मेनी चैलेंजेस टू द वर्ल्ड लीडर्स टू वॉक ऑन देयर पाथ, स्पेशली टू लीडर्स बिलोंग फ्रॉम यूएस, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूके, साउथ अफ्रीका, चाइना, इटली, जापान एंड ग्रीस. सो इन ये इन कंट्रीज के जितने भी लीडर्स हैं, दे मे फेस सम चैलेंजेस इन देयर डिसीजन मेकिंग, इन देयर इम्प्लीमेंटेशन, गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेशन, इन देयर वर्किंग सिनारियो, क्योंकि दीज पीपल विल ट्राई टू कंट्रोल द वर्ल्ड इकोनॉमी एंड विल ट्राई टू कंट्रोल द पावर एंड कंट्रोल द बेसिकली आई वी कैन से द पावर को गेन करने के लिए इकोनॉमी पे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, जिससे आम जनता उस चीज को नाराज रहेगी. दे विल फाइंड न्यू अपॉर्चुनिटीज. सो इट इज इट कैन इग्नाइट सम सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक राइवलरी बिटवीन चाइना, ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड यूनाइटेड किंगडम, एंड वर्ल्ड लीडर विल बी ऑन द क्रिटिसिज्म फॉर द डिसीजन मेकिंग फॉर बिजनेस एंड ट्रेड. सो इट हैज क्वाइट मच इम्पैक्ट इन द वर्ल्ड लीडरशिप रिगार्डिंग द इकोनॉमी एंड द बिजनेस. सो देर कैन बी चांसेस ऑफ टसल और सम हिडन राइवलरी फ्रॉम चाइना टू ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, यूरोपियन कंट्रीज.
सो दीज आर द इम्पैक्ट विच वी कैन सी ऑफ द 5th जून लूनर इक्लिप्स फॉर द होल वर्ल्ड एंड फॉर द इंडिया ऑल्सो. दिस इज द बेसिकली ऑल अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ द 5th जून लूनर इक्लिप्स जो हम पूरे इंडिया और वर्ल्ड में देख सकते हैं. तो ओवरऑल हमने यही इसमें पाया कि जो इसका इम्पैक्ट ज़्यादा लीडरशिप पे रहेगा, इकोनॉमी पे रहेगा, रिफॉर्म्स पे रहेगा, लैंड रिलेटेड इश्यूज पे रहेगा, पॉलिटिकल पीपल को इस पे इम्पैक्ट रहेगा, और पॉलिटिकल जो लोग हैं दे विल फेस चैलेंजेस इन कमिंग मंथ, जो कि जो जिन कंट्रीज का मैंने मेंशन किया दे मे फेस सम चैलेंजेस इन देयर गवर्नमेंट वर्किंग इन देयर लीडरशिप क्वालिटीज. सो ऑल दिस पीपल विल फेस सम चैलेंजेस इन कमिंग मंथ्स. तो दिस इज दीपक जी, दिस इज ऑल वी अबाउट 5th जून लूनर इक्लिप्स. सो नाउ यू कैन आस्क मी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस इक्लिप्स. मेरा एक ही प्रश्न है, क्योंकि आजकल जो कोरोना के कारण से सबसे ज्यादा लोग भयभीत हैं कि कोई भी, मतलब जैसे कोई होप लोगों को आगे कहीं जल्दी नजर नहीं आ रही, मतलब बहुत भयानक रूप से लोगों को अपनी जीवन और उसके बीच में बहुत बड़ा एक वो लग रहा है। तो कोई महामारी के बढ़ने का कोई प्रभाव इस पे पड़ सकता है? पहला प्रश्न ये है। जी दूसरा प्रश्न ये है कि क्या हम अगले कुछ महीनों में एंटीडॉट की, जो मैं व्यक्तिगत मानता हूँ कि अगस्त में और 10 सितंबर के मध्य में, जब कहीं पे सूर्य जब आर्द्रा के आसपास कहीं पहुंचा हुआ होगा, तब मुझे लगता है कि तब जरूर कोई एंटीडॉट की खबर आ जानी चाहिए। तो आप इस विषय में क्या सोचते हैं, थोड़ा मैं वो जानना चाहूंगा। अगर मैं बात करूं करंट सिनारियो की और इस इक्लिप्स की, तो जो ये जो लूनर इक्लिप्स है, ये इसका मेजर इम्पैक्ट तो हमारी पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट एंड लीडरशिप, इकोनॉमी पे ज्यादा इम्पैक्ट है इसका. तो इस लूनर इक्लिप्स का मतलब पैंडेमिक पे तो इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बट जो कमिंग सोलर इक्लिप्स है, जो हमारा 21 जून का सोलर इक्लिप्स है, दैट मे कैन इम्पैक्ट द पैंडेमिक. इट मे कैन गिव सम राइज, दैट आई विल एक्सप्लेन इन द फ्यूचर कमिंग स्लाइड. तो बट ये है कि हाँ, देर आर चांसेस दैट व्हेन दैट सर्प योगा ब्रेक एंड आफ्टर 14th, 15th of July, देन देर विल बी पॉसिबिलिटी दैट वी कैन हियर सम गुड न्यूज विद रिस्पेक्ट टू द सम डेवलपमेंट इन द मेडिसिन और सम वैक्सीनेशन एंड समथिंग लाइक दैट. आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन द नेक्स्ट स्लाइड. सो चांसेस हैं, बट द थिंग इज दैट कि देर आर वेरी लीस्ट चांसेस. And we can guess, we can get news around something like July. It will take time around something like September to October, when the Rahu will move from his own nakshatra to the next nakshatra of the Taurus, because in that time the Rahu will be in trines to Saturn and Jupiter in later half. So that time there will be very bright chances that big pharmaceutical companies we start working on the vaccinations and big drugs नहीं, and वो तो आप जो बता रहे हो वो तो उसके मतलब तब प्रोडक्शन शुरू हो जानी चाहिए। यस वो ऐसा यस ऐसा तो है नहीं कि मतलब वो डिक्लेयर करते ही प्रोडक्शन की, मास प्रोडक्शन होने में भी मतलब हम सभी टाइम जानते हैं लगेगा. कि बहुत टाइम एग्जैक्टली लगेगा, एक साल लग जाएगा, एक एग्जैक्टली साल लग जाएगा, जब पूरे वर्ल्ड तक पहुंचने में शायद 2 साल लग जाए. लेकिन एग्जैक्टली लेकिन हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ, बड़े लेवल पे एक बारी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी, तो जो बीमार होंगे उनको इंजेक्शंस दिए जा सकते हैं, एंटीडॉट लगाए जा सकते हैं, तो थोड़ा स्पीडी वो रहेगा, जो ज्यादा एरिया अफेक्टेड है उनको बचाने का काम ज्यादा तेजी से किया जा सकता है. जी वो है, क्योंकि दिस पैंडेमिक हैज स्टार्टेड फ्रॉम द रूट राशि एंड द रूट नक्षत्र. दैट द रूट नक्षत्र इज द मूला एंड द रूट राशि इज द धनु. तो इट हैज क्रॉस्ड द बेसिकली 8 साइंस. व्हेन सन वाज इन द धनु राशि, द लास्ट इक्लिप्स हैज ट्रिगर्ड, दैट वाज ऑन द 26th ऑफ द दिसंबर ऑफ 2019. सो व्हेन द सन वाज इन विद द केतु, द प्रॉब्लम विद द मेडिसिन एंड द हेल्थ इश्यू स्टार्टेड, बिकॉज द मूला इज द जीव जीवा नक्षत्र द जीव राशि. सो जीवा इज समथिंग रिलेटेड टू द मेडिकल थिंग्स, मेडिकल साइंस, हेल्थ एंड इश्यू समथिंग. सो व्हेन सन विल क्रॉस दैट सर्प योगा फ्रॉम द 8 हाउसेस, लाइक फ्रॉम केतु टू राहु, देन इट विल चांस दैट आवर मेडिकल सिस्टम विल समथिंग डेवलप इन द एरिया ऑफ मेडिसिन और सम वैक्सीनेशन, सम इंजेक्शन एंड समथिंग लाइक, देर इज अ ब्राइट चांसेस. बट दिस हैज टू बी ब्रेक, बिकॉज सन इज राइट नाउ टोटली इन द मेस्ड अप स्टेट राइट नाउ. वो दिसंबर से लेके जुलाई 14 तक वो मेस्ड अप स्टेट में है. वो दैट्स द रीजन ओवरऑल ओवल हर पूर ओवरऑल पूरे ग्लोब में डॉक्टर्स आर बैडली इफेक्टेड बाई दिस दिस पैंडेमिक.
pandemic and this. And same reason is with the people also, because Jupiter is seen for the common mass, Jiva, the people who are here, we are. When Jupiter was badly afflicted from December to May month. So right now, still Jupiter is in the bad state right now in the Nakshatra of the Uttarashtra and the sign of the Capricorn. So it is still not having the full gain and control. So ab jab tak Jupiter apni ek stable state mein nahi aa jata, tab tak hum nahi keh sakte ki people will get some relaxation from the COVID. So we will discuss that in the next slide, because this lunar eclipse has major impact for the economy, the people, politics, people who are in the power, gain, influencing people, common mass, artists, cinemas. So ये जो नक्श जो लूनर इक्लिप्स है, ये इन लोगों को चैलेंजिंग रहेगा. तो दिस इक्लिप्स विल चैलेंज ऑल दिस पीपल, बट कॉमन मास में इसमें आएगा. कॉमन मास विल आल्सो फेस चैलेंज ऑफ बिकॉज ऑफ द पॉलिटिक्स, बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल पीपल. बिकॉज व्हेन द पॉलिटिकल पीपल ट्राई टू गेन द पावर, ट्राई टू गेन कंट्रोल ओवर इकोनॉमी, ट्राई टू गेन कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट वर्किंग, द कॉमन मास विल सफर. बिकॉज ऑफ दिस थिंग दे विल फेस चैलेंज फ्रॉम द कॉमन मास. सो दिस इज द रीजन दिस इक्लिप्स इज चैलेंजिंग फॉर द politics and the common man and the corporate people who are in the politics or in the gain or people who are doing the business in the richer class. So this is all about the 5th June lunar eclipse.